आज पुस्तक मेले में ममता सिंह जो कि समाज सेविका भी हैं, लेखिका भी हैं, आज उनसे अचानक के मुलाकात हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या अनुभव रहा है। ममता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। क्या अनुभव रहा, क्या कुछ खरीदा भी आपने कि ऐसी सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आई हैं? नहीं नहीं, मेरा आज पुस्तक का पहला पुस्तक का विमोचन हुआ है। अच्छा, कविता का। किस नाम से? अभिराम। अभिराम जी, सादा संग्रह है, ये मेरी पहली है। सबसे पहला संग्रह है, काव्य संग्रह है। हाँ, आयन प्रकाशन। आयन प्रकाशन की तरफ से। कितनी कितनी कविताएं हैं? अब 12 टोटल। भोजपुरी में है या हिंदी में? हिंदी में है। इससे पहले भी कभी कोई आया है आपका संग्रह? जी, मैं मेरी बहुत सारी पत्रिका में मेरी कविताएं, कहानी ये सब छपते रहते हैं, और मैं आकाशवाणी में चौपाल प्रोग्राम में कहानी कविता ये लिखती रहती थी, पाठ करती रहती थी, और मैं आकाशवाणी में न्यूज़ रीडर भी थी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, अब मैं ये सब छोड़ के मैं अब लिखना शुरू की हूँ, और साथ साथ मैं समाज सेविका भी बनी हूँ, और बहुत सा सोशल वर्क मैं करना चाह रही हूँ, कर रही हूँ, और आगे देखती हूँ कहाँ तक मैं पहुँच पा रही हूँ। आप लोग का सहयोग मिलेगा तो ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगी। समाज सेवा में क्या कर रही हूँ? मैं तो एक तो बच्चों को साफ सफाई स्वच्छता का मैं पाठ पढ़ाने चाह रही हूँ, कैसे साफ अपने आप को रखे, प्रदूषण अभी जितने दिल्ली नोएडा में भरे हुए हैं वो सबसे कैसे आप अपने को बचा सकें। सफाई के साथ साथ पढ़ाई की ओर, हर आप जो छोटी मोटी बातों को आपको जानकारी नहीं है, पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं होती है, छोटी मोटी आसपास की जानकारी उस समय बच्चों को दे रही हूँ, आगे चलकर उन्हें कोई ठग नहीं सके, उनको गुमराह न कोई कर सके, मैं यही कोशिश कर रही हूँ। साथ में और अन्य गरीब लोगों को भी मदद कर रही हूँ, और जैसे अब कोई ठंड में है तो मैं उनको चाह रही हूँ कंबल बांटूँ, उनको ये करूँ, मैंने हर तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं ये पूरी तरह से कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं ये अभी चर्चा में आपने बताया था कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री भी बनाती हैं, डॉक्यूमेंट्री क्या है? दरअसल मैं शॉर्ट मूवी बना रही हूँ, समाज में अच्छे मैसेज जाए लोगों के बीच में, बेटी बहू हर टॉपिक में, ये नहीं है जो आप स्वच्छ ही सिर्फ रखो, मैं बेटी बहू फैमिली में भी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गए हैं, जो आधुनिकता का जो दौर आ गया है इसमें अभी ना अपने मदर फादर सास ससुर सबको अभी लोग ये उतना इज्जत नहीं सम्मान नहीं दे रहे हैं। मैं उसी को कोशिश कर रही हूँ जो कैसे अपने आप को आप सम्मान दो अपने लोगों को, और कोशिश करेंगे सास भी अपनी बहू को इज्जत सम्मान दे, और बहू भी सास का उतना ही माँ की तरह ख्याल करे, यही सब मैं कोशिश कर रही हूँ। बच्चों को आप पढ़ाई की तरफ पीछे मत ढकेलो, उसका भी खेलना भी जीवन है। ये सास बहू के रिश्तों के बीच में आपने जो प्रयास करने की कोशिश की है, ये तो युगों युग तक कभी किसी की बनती नहीं है, आप कैसे बनाएंगी? मैं तो बनाऊंगी, और मैं बना चुकी हूँ बहुत लोगों में, आसपास भी मैं ऐसा कोशिश की हूँ, और मैं जो बनाई हूँ उसे काफ़ी अच्छा लोगों को लगा है, काफ़ी व्यूअर हुए हैं, काफ़ी लोग खुश हुए हैं, जो बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है, और देखिए मैं तो कोशिश करूँगी, देखिए मुझे ये है लगता है जो मैं ये प्रयास में आगे बढ़ूँगी और लोग इसको मानेंगे। पुस्तक मेले में आई हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत सारी किताबें भी खरीदी हूँ, सिर्फ अपना ही नहीं, मैं दूसरे लोग जो राइटर हैं उनका ली हूँ बहुत सारा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं जो किताबें अब नहीं बिक रही हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे बच्चे भी आके बहुत सारे किताब ले जाते हैं, किताब की कभी भी ऐसा नहीं है जो ये पीछे होगा, मेरे ख्याल से नहीं। अब जैसे अब आर्थिक रूप से कैसे हो रहा मैं नहीं जान सकती, लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं भी जब भी पुस्तक मिला आती हूँ तो कम से कम 8-10 किताबें ज़रूर लेती हूँ, ये हम लोग के घर का संस्कार है, किताब ज़रूर खरीदो और किताब बांटो भी ज़रूर, तो हम लोग के एक लाइब्रेरी एक टाइप का छोटा सा बनाई हुई हूँ जो हर बार खरीदती हूँ और कोशिश करती हूँ पढ़ती रहूँ भी। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी अभी काफ़ी आगे हैं इसमें, मैं ये देख रही हूँ, कभी ये लोग कहते हैं युवा पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही, ऐसा नहीं है, बहुत लोग लिख रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं फेसबुक पे देखती हूँ अच्छे अच्छे कम एज के लड़के काफ़ी कविता कहानी लिख रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी है, और मैं कहूँगी उन लोग को आगे बढ़ें, जो पहले एक ज़माना था वो फिर लौट के आएगा, ये युवा पीढ़ी फिर लाएंगे, ये किताबों की दुनिया में लाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा पुस्तक मेला में, और सारे लोग ऐसा नहीं है इंटरेस्ट, बहुत लोग घूम रहे हैं, सिर्फ घूम नहीं रहे हैं, हर आदमी कुछ कोई ना कोई किताब ज़रूर ले रहा है। बहुत अच्छा आपने कहा, जिस तरीके का पॉजिटिव सोच और संदेश दोनों ही युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणादायक रहेगा, हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आपका ऐसा सहयोग और ऐसा ममता जी के पति भी हमारे साथ हैं, और लगता है कि पति पत्नी ने कई पुस्तकें खरीदी हैं, और बड़ा क्या कहते हैं आपसी तालमेल भी बेहतर लग रहा है, वरना कई बार ये देखने में आया है कि
पुस्तक खरीदने के लिए परिवार का एक आदि आता है, लेकिन यहाँ पर कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव, इतनी भीड़ और इतने लोगों का जो झुकाव है किताबों के प्रति देखकर बहुत खुशी हो रही है। और ये खुद भी लिखते भी हैं, अभी ये पीछे रहते हैं लेकिन लिखते भी काफ़ी है, बहुत अच्छा लिखते हैं, हो सकता है मैं आगे इनका भी कुछ किताबें, मैं इनको पढ़ने का बहुत ही शौकीन है। ये हिंदी या भोजपुरी में? हिंदी, दोनों पे मेरा कमांड है, भोजपुरी मेरी भाषा है और हिंदी तो मेरी मातृभाषा है और देश की भाषा है। ममता जी की नया काव्य संग्रह आया है, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव हुआ और ये अभी तो ये शुरुआत है, मुझे लगता है कि बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। कभी आपने पढ़ी इनकी कोई कविता? हाँ जी, बराबर पढ़ते रहता हूँ और फेसबुक फेसबुक पे तो बहुत सारे इनकी कविताएं आती हैं, तो जाहिर है कि मैं भी पढ़ता हूँ उसे। युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं कहूँगा कि भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो हमारा फाउंडेशन मानिए उसको, वो ये हमारा प्रिंट मीडिया ही है, बेसिक वही रहेगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद।